अस्सलामुअलैकुम। हमारी पिछली वीडियो जो कि मकबराए जहांगीर पर मुश्तमिल थी, और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे बादशाही मस्जिद के दिलफरेब मंज़र और इस आलीशान मस्जिद के बारे में हकायक जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। बादशाही मस्जिद 1673 में औरंगज़ेब आलमगीर ने लाहौर में बनवाई। ये अजीम शान मस्जिद मुग़लों के दौर की एक शानदार मिसाल है और लाहौर शहर की शनाख्त बन चुकी है। ये मस्जिद फैसल मस्जिद इस्लामाबाद के बाद पूरे पाकिस्तान की दूसरी बड़ी मस्जिद है, जिसमें बैक वक्त 60,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। इस मस्जिद का अंदाज़े तामीर जामिया मस्जिद दिल्ली से बहुत मिलता है, जो औरंगज़ेब के वालिद शाहजहां ने सन 1648 में तामीर करवाई थी। हिंदुस्तान के छठे मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर तमाम मुग़लों में सबसे ज़्यादा मजहबी बादशाह थे। उन्होंने इस मस्जिद को अपने सौतेले भाई मुजफ़र हुसैन, जिनको फिदाई ख़ान भी कहा जाता था, उनके ज़ेरे निगरानी तामीर करवाया। मस्जिद का आगाज़ तामीर 1671 में हुआ, जो कि 2 साल के दौरानिए के बाद 1673 में इख्तिताम पज़ीर हुआ। मस्जिद को शाही किला के बरअक्स यानि अपोज़िट साइड में तामीर किया गया, जिससे उसकी मुगलिया दौर में अहमियत का पता लगता है। इस मस्जिद के बनने के साथ ही साथ औरंगज़ेब ने उसके दरवाज़े के सामने शाही किला में भी एक बावकार दरवाज़े का इजाफा किया, जिसको आलमगीरी दरवाज़ा कहा जाता है। इस मस्जिद के 3 बड़े गुंबद हैं और 8 मीनार, जिसमें 4 छोटे मीनार 4 बड़े, और जो सबसे बड़ा मीनार है उसकी बुलंदी 176 फीट या 53 मीटर्स है। इस वीडियो से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। शुक्रिया।